स्कूटी से भी कम पैसा कोई लेके आएगा तो उसको गाड़ी दे। 2021 मॉडल गाड़ी है, 2017 मॉडल गाड़ी है, 2016 मॉडल गाड़ी है, 2019 मॉडल गाड़ी है, ये 2018 मॉडल गाड़ी है, 2019 मॉडल लिखो है, 2016 मॉडल गाड़ी है, 2016 मॉडल है। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ बिल्कुल नेक्स्ट न्यू कंडीशन में है। 1,60,000, 2,60,000, 4,50, इसका 2,50,000 रुपए, इसका 3,50,000 रुपए फाइनल, 1,40,000 मात्र, 1,40,000, 3,00,000 रुपए में 20,000 रुपए की गाड़ी भी देंगे, 30,000 रुपए की भी देंगे, 40,000। आप देख रहे हैं हमारी एक और नई वीडियो। आज हम आए हुए हैं आपसे एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डीलरशिप को मिलाने के लिए। अगर आप अच्छी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे और आप चाह रहे थे थोड़े बहुत आपके पैसे बच जाएं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। अपने यहाँ पे थोड़ा सा बैंक से खींची हुई गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, जैसे कि कुछ लोग अपना लोन वगैरह या जो भी चीज़ें होते हैं उनकी नहीं हो पाती, तो यहाँ पे वो सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं और आपको बहुत अच्छे पैसों मिल जाती हैं। और अगर हम सेगमेंट की बात करें तो आज बहुत सारा सेगमेंट मिल जाएगा आपको, हर तरीके का सेगमेंट मिल जाएगा। बुलेरो मिल जाएगी यहाँ पे आपको, ओमनी मिल जाएगी, नॉर्मल गाड़ियाँ मिल जाएंगी, हैचबैक, सेडान, सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो आपके टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, जो भैया डीलरशिप को ओन करते हैं उनके पास चलते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और आपको कुछ डिटेल देते हैं। तो कैसे हैं भैया? बढ़िया। एक बार सबको अपना नाम बता दीजिए और हेलो बोल दीजिए। कुशवाहा कार बाज़ार सरसों, लाल जी। ठीक है लाल जी, ठीक है। तो अपना ये कुशवाहा कार बाज़ार भैया, अगर किसी को आना है जो वीडियो देख रहा है, तो कैसे आ जाएगा? लोकेशन पे डालिएगा, आ जाएगा। बाकी लोकेशन में बताना है और उसके बगल में पंडित डाबा सामने, ठीक है। अपना गूगल मैप पे है ये, जी, आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे आज कैसा, कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं? मतलब सारी गाड़ियाँ हैं, सारी गाड़ियाँ हैं। प्राइसिंग हम लोग बढ़िया देने वाले हैं, मतलब लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से करें आप, जहाँ से बताइए वहाँ से करते हैं। इस गाड़ी से शुरुआत, चलिए ठीक है। तो कौन सा मॉडल है भैया, कौन सा ओनर है? जैसे पेट्रोल प्लस सीएनजी है, पेट्रोल प्लस सीएनजी, ठीक है। कितनी चली होगी ये गाड़ी? 60,000। 60,000 जेनुइन चली है? अपने यहाँ कोई भी मीटर बैग लड़ी वाला कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और अंदर इसमें क्या क्या मिल जाता है? सारा कुछ सिस्टम है, सीएनजी प्लस पेट्रोल है, 18 मॉडल है, ठीक है। टायर कंडीशन वगैरह एक नंबर, 70% है। ओनरशिप फर्स्ट है भैया? $5,000 है। कितने पैसे मांग रहे हैं इसके? इसका 3,50,000। 3,50,000 जी। निगोशिएबल है, कोई आएगा तो? कसम का कोई काम नहीं है, देख लिया जाएगा जो होगा, ठीक है। और इसकी पीली नंबर प्लेट है ये टैक्सी में? हाँ टैक्सी में। कोई प्राइवेट कराना चाहे तो वो भी हो जाएगा? उसमें से 30,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा आता है। अच्छा खर्चा आता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास एक दूसरी गाड़ी भी चलते हैं, ह्युंडई एक्सेंट। और भैया ये 32 नंबर UP 32 सिल्वर कलर में मिल रही है, कुछ डिटेल बताइए भैया इसकी। ये फाइटनर गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, 2016 मॉडल है, ऑल पेपर कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। वेल मेंटेन गाड़ी है। और डीजल पे कितना एवरेज होगा इसका भैया? 18 का एवरेज होगा। हाईवे पे सिटी में ठीक ठाक एवरेज देती है? जी जी बढ़िया बढ़िया। मेंटेनेंस भी कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है? नॉर्मल। इंटीरियर में इसमें क्या क्या मिल जाता है? सारा कुछ ओके, ठीक है। डेक साउंड वगैरह, सीट कवर वगैरह, ठीक है। इंटीरियर में आपको इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, हीटर मिल जाता है, बढ़िया सीट कवर लगे हुए मिल जाएंगे। इसका स्टीरियो निकला हुआ है भैया? स्टीरियो निकला हुआ, कोई लेने आता है तो लग जाएगा ना, कोई दिक्कत? जी जी लग जाएगा, ठीक है। तो भैया कितने पैसे मांग रहे हैं इसका? 3,00,000, ठीक है। डीजल गाड़ी है, ठीक है। 3,00,000 3,00,000 रुपए में आपको ह्युंडई एक्सेंट मिल रही है डीजल, जो कि बढ़िया कंडीशन में है। यहाँ पे आप आएंगे, आप देखेंगे, इसको चला के देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी जी जी। भैया का नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। उसके बगल में अपने पास एक इर्टिगा खड़ी हुई है, तो भैया कुछ डिटेल बताइए इसकी। ये 2014 मॉडल है, 2000 सेकंड ओनर, 85,000 चली है, 85,000 डीजल वर्जन है, डीजल है, बढ़िया, ऑल पेपर कंप्लीट है, ठीक है। अंदर के इंटीरियर वगैरह हर चीज़ बिल्कुल एक नंबर है, ठीक है। मतलब बढ़िया कंडीशन में, टायर 90% है, और डीजल पे एवरेज भी इसका बहुत अच्छा होता है, 20-22 का एवरेज है। तो भैया कितने पैसे मांग रहे हैं इसके? इसका ठीक है 5,00,000 रुपये। 5,00,000 रुपये जी। 5,00,000 रुपये भैया, 5,00,000 रुपए में आपको इर्टिगा मिल रही है, जो कि नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन में। आपने इसका इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीज़ें देख ली होंगी, और ये प्राइसेस निगोशिएबल हैं, ये डॉट प्राइस नहीं। आप यहाँ पे आएंगे, भैया से बात करेंगे, सब कुछ होगी, तो पैसे कम हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बगल में अपने पास एक टाटा भैया जेस्ट खड़ी हुई है, इसकी भी कुछ डिटेल बता दीजिए। ये डीजल से गाड़ी है, 2019 मॉडल है,
डीजल है जी, 2019 है ये भी, अगेन टैक्सी वाले ही है जी जी, लेकिन प्राइवेट आप कराना चाहो तो वो भी हो जाएगा। कहा कि 30,000 रुपए खर्चा होंगे वो हो जाएगा। भैया टायर कंडीशन वंडीशन इसकी बहुत बढ़िया सी है, एक नंबर है, एक नंबर टायर है, फुल व्हाइट कलर मिल रही है। क्या डिटेल है इसकी? ठीक है, कितनी डीजल गाड़ी है? 70,000। 70,000 जेन्युइन चली है? अपने को भी मीटर नहीं, नहीं, एक्सीडेंटल वाला सीट तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अंदर सीट कवर इट कवर बढ़िया है, एक नंबर। हाँ जी, इंटीरियर वगैरह साउंड वगैरह हर चीज वगैरह लगा हुआ है इसमें बढ़िया सा। और कितना एवरेज हो कभी है इसका? इसका 28 का एवरेज है, मतलब 28 का एवरेज है जी जी, बहुत बढ़िया हो गया। बहुत एवरेज तो 28। तो कितने पैसे मांग रहे हैं भैया इसके? इसका 4,00,000 रुपये। 4,00,000 रुपये जी, 4,00,000 रुपये में आपको टाटा जेस्ट मिल रही है बहुत अच्छी कंडीशन में। आपकी नंबर प्लेट लगी हुई इसमें येलो कलर की, अगर आप चाहें तो इसमें प्राइवेट जी जी जी, प्राइवेट भी करा सकते हैं। बिल्कुल। उसके बगल में अपने पास इको लगी हुई है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही होती है मेरे पास कि भाई लोगों को इको थोड़ा सा दिखा देते हैं आज। तो भैया इको 7.7 भी मिल जाएगी अपने पास, 7.8 भी मिल जाएगी, प्राइवेट भी मिल जाएगी और कमर्शियल भी मिल जाएगी, जैसा भाई लोग मांगेंगे वैसा हम लोग दे देंगे। तो क्या डिटेल? 21 मॉडल गाड़ी है। 21 है? 21 मॉडल गाड़ी, 16,000 चला है, बिल्कुल नई गाड़ी हो गई जी जी, वेल मेंटेन गाड़ी है। ठीक है, अंदर इसमें क्या क्या आता है भैया? सारा कुछ मिलेगा, जैक साउंड वगैरह, सीट कवर, हर चीज। इसमें एसी हीटर सब आता है? नहीं नहीं, ये 7 सीटर में एसी नहीं आता है। अच्छा। 5 सीटर गाड़ी जो आता है उसमें एसी आता है। इसमें हीटर ब्लोअर वगैरह मिल जाएगा जी जी जी। ठीक है, टायर कंडीशन बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन, बिल्कुल न्यू कंडीशन। आप हेडलैम्प देख रहे होंगे, गाड़ी का पेंट देख रहे होंगे, बिल्कुल 2021 की ही लेटेस्ट गाड़ी है, 2021 गाड़ी है। NOC भैया अपने सारी जगहों के लिए मिल जाएगी जी जी, कहीं भी निकालिए, भाई अपना बाहर से आता है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सारी व्यवस्था है। ठीक है, अच्छी बात है। तो कितना एवरेज होगा भैया इसका? इसका एवरेज पेट्रोल में 20 का होता है, सीएनजी 25 से 30 का। ठीक है, अच्छी बात है। तो कितने पैसे मांग रहे हैं भैया इसके? इसका 5,00,000 रुपये। 5,00,000 रुपये जी। ठीक है, 5,00,000 रुपये में आपको इको मिल रही है 2021 मॉडल, जो कि बिल्कुल नई कंडीशन, शोरूम की जैसी कंडीशन में है। और अगर आप यहाँ पे आएंगे थोड़े बहुत पैसे कम हो जाएंगे। उसके बगल में अपने पास एक इको खड़ी हुई है, कमर्शियल नंबर UP78 कानपुर का नंबर पे। तो भैया इसकी कुछ डिटेल बता दीजिए। ये 2019 मॉडल गाड़ी है, 40,000 चली हुई है, 40,000 टैक्सी पे मिलेगा 4 का, प्राइवेट पे मिलेगा 4.80 का। ठीक है, टैक्सी पे मिलेगा 4 का, प्राइवेट पे 4.80 का। ठीक है, सीट कवर रिकवर इसमें बढ़िया सारा कुछ ओके मिलेगा। ठीक है, कितने पैसे मांग रहे हैं इसके? 3,50 का टैक्सी मिलेगा, 4 का प्राइवेट पे मिलेगा। 3,50 का इसके आपको टैक्सी में मिल जाएगा जैसे है एज इट इज़, और अगर इसको आप प्राइवेट कराना चाहते हैं तो 4,00,000 रुपये का आपको ऑन रोड का एकदम पड़ जाएगा। तो अपने पास 800 भैया खड़ी है, इसकी कुछ डिटेल बता दीजिए। ये जन गाड़ी है, 20,000 रुपये का मिलेगा। ठीक है, 20,000 रुपये जी, 20,000 रुपये का पेट्रोल, 20,000 रुपये की पेट्रोल गाड़ी, गजब हो गया। तो भैया कौन सा ओनर है, कौन सा डिटेल? 2099 मॉडल है, थर्ड ऑनर है, थर्ड सारे पेपर ओके मिलेंगे, सारे पेपर ओके, गाड़ी में कोई काम नहीं, इंजन से कुछ काम, सब कुछ ओके मिलेगा। ठीक है, 20,000 रुपये जी, मात्र 20,000 रुपये, मात्र 20,000 रुपये में आपको यहाँ पे कार मिल रही है, जो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में आपकी हो जाती है ये। उसके बगल में अपने पास एक भैया 800 लगी है, इसकी भी कुछ डिटेल बता दीजिए। ये फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, 40,000 रुपये गाड़ी है, 40,000 रुपये जी, 40,000 रुपये। कितनी चली होगी ये? 80,000। 80,000 क्या है इसका इंटीरियर एक्सटीरियर? सब कुछ ओके है, ओके है, साउंड वगैरह है ओके, ठीक है, पेट्रोल पे गाड़ी है, पेट्रोल पे। ठीक है, 40,000 रुपये में आपको यहाँ पे मारुति 800 मिल रही है। अगर आप, मैं अगेन कह रहा हूँ, खरीदना चाह रहे थे और अगर आप सीखना चाह रहे थे तो सीखने के लिए बिल्कुल बेस्ट गाड़ी है, क्यों भैया? एक नंबर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे एक 800 और खड़ी है भैया, इसकी भी कुछ डिटेल हो जाए। ये सेकंड ओनर गाड़ी है, सेकंड ओनर है, ठीक है, 30,000 रुपये का गाड़ी मिलेगा, 30,000 रुपये का। ठीक है, मतलब 20,000 रुपये की गाड़ी भी देंगे, 30,000 रुपये की भी देंगे, 40,000 रुपये की, जितना पैसा अरेंजमेंट करना चाहे, स्कूटी से भी कम पैसा कोई लेके आएगा तो उसको गाड़ी देके गाड़ी में दे देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बगल में अपने पास यहाँ पे ओमनिया खड़ी हुई है, कुछ 1, 2, 3 ओमनिया खड़ी हुई, इसकी कुछ डिटेल हो जाए भैया। 2017 मॉडल गाड़ी है, 17 मॉडल है, सेकंड ओनर, सेकंड ओनर है। ठीक है, 9645 UP78 कानपुर का नंबर मिल रहा है, प्योर व्हाइट कलर पे जी जी जी। CNG लगी हुई है, CNG पे एवरेज क्या देती है भैया ये? CNG में 30 का एवरेज देती है। अंदर सब बढ़िया है, सारा कुछ ओके, कवर इंटीरियर सब सारा कुछ ओके, ठीक है, सारा पेपर कंप्लीट मिलेगा। 30,000 चली हुई है ये, ठीक है, कितने पैसे मांग रहे हैं? 30,000 नहीं चली हुई है, ये 60,000 चली है, 60,000 चली है। ठीक है, कितने पैसे मांग रहे हैं भैया इसके? ये 1,80,000 रुपये। ठीक है, 1,80,000 रुपये भैया इस ओमनी के मांग रहे हैं, जो कि 60,000 अराउंड चली हुई है। बिल्कुल यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट न्यू कंडीशन में है, बस थोड़ी सी एकदम हाईवे पे भैया का डीलरशिप है तो धूल वूल थोड़ी उड़ती रहती है, इस वजह से गाड़ियाँ थोड़ी गंदी हैं, शायद आपको थोड़ी गंदी लग रही हो, लेकिन बिल्कुल नेक्स्ट न्यू कंडीशन में है। अपने पास दूसरी एक ओमनी खड़ी है, इसकी भी कुछ डिटेल हो जाए। 2016 मॉडल गाड़ी है, 2016 है, ठीक है, सेकंड ओनर है, सेकंड ओनर है, सारे पेपर ओके मिले, टायर वायर ठीक है, चेंजी लगी गाड़ी, टायर ओके, ठीक है, सारे पेपर ओके, सारे पेपर ओके हैं, इंटीरियर इसका अच्छा सा है, एक नंबर, एक नंबर है। कितनी चली थी भैया?
80,000 चलिए। 2016 मॉडल, 2016 मॉडल तो कितने पैसे मांग रहे? 1,60,000। 1,60,000 ठीक है। 1,80,000, 1,60,000। अपने पास एक यहाँ पे और ओमनी खड़ी हुई है 2019 मॉडल FS कानपुर के ही नंबर पे। भैया कुछ डिटेल 2019 मॉडल गाड़ी है, 40,000 चली है, वेल मेंटेन गाड़ी है, सारे पेपर ओके हैं, ठीक है। टायर वायर बढ़िया है, सारा कुछ एक नंबर है। पेंट वेंट कहीं कुछ हुआ है? नहीं, अनटच गाड़ी है। अनटच गाड़ी है, ठीक है। तो कितनी चली होगी ये? ये चली 40,000। 40,000 ओनरशिप फर्स्ट है? फर्स्ट ओनर, ठीक है। कितने पैसे मांग रहे हैं भैया इसके? इसका 2,60,000 रुपये, ठीक है। 2,60,000 रुपये में आपको 2019 मिल रही है, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है, CNG लगी हुई है, CNG पास है, ऑल पेपर कंप्लीट है, ठीक है। अपने पास कुछ बड़े सेगमेंट पे अब आपको लेके चलते हैं, बुलेरो। बुलेरो भैया के पास बहुत सारी खड़ी हुई है, बुलेरो आपको पिकअप भी मिल जाएगी, बुलेरो आपको नॉर्मल भी मिल जाएगी। तो आइए आपको उसकी कुछ डिटेल देते हैं। तो भैया ये बुलेरो पिकअप है ये मेरे को थोड़ा इसमें नॉलेज नहीं है, थोड़ा कारी में नॉलेज है, तो कौन सा वेरिएंट? ये 2018 मॉडल गाड़ी है, ऑल पेपर कंप्लीट है, मैक्सी ट्रैक है, नए टायर है, मैक्सी ट्रैक है, 2018 मॉडल है। चली वाली कितनी होगी? 52,000 चली है, 52,000 चली है, सारे पेपर ओके, सारे पेपर ओके हैं। तो भैया इसमें क्या कुछ टन वन का होता है, कितने टन लोड ले सकती है या कैसे क्या इसको? ये 8 टन पासिंग की गाड़ी आती है, 10 टन 8 टन तक पासिंग है। जी, ठीक है। तो कितने पैसे मांग रहे हैं इसके? इसका 4,50,000, ठीक है। 4,50,000 2018 मॉडल गाड़ी है, 2018 मिल रही है, जो कि नेक्स्ट टू बढ़िया कंडीशन में है। उसके बगल में अपने पास एक बुलेरो खड़ी हुई है, प्योर ब्लैक कलर की। कितनी चली होगी ये? 80,000 फर्स्ट ऑनर है, 80,000 चली है। टायर कंडीशन इसमें बढ़िया, एक नंबर, इंटीरियर बिल्कुल नया टायर है। इंटीरियर में आपको बढ़िया से सीट कवर मिल जाते हैं, अंदर इंटीरियर भी इसका ठीक है, फाइन क्वालिटी का है। तो भैया कितने पैसे मांग रहे हैं? फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, 1,40,000 रुपये, 1,40,000 मात्र, 1,40,000, 1,40,000 रुपये में आपको बुलेरो मिल रही है। यहाँ से सस्ती हमें नहीं लगता बुलेरो कहीं मिल पाएगी, है ना भैया? जी, ठीक है। उसके बगल में अपने पास एक इको 2019 मॉडल इको है, ठीक है, FW कानपुर के नंबर में मिल रही है, प्योर व्हाइट कलर पे। जी, CNG है भैया, पेट्रोल है? पेट्रोल पे है, पेट्रोल 11,000 चली है, 19 मॉडल है, ऑल पेपर कंप्लीट है, ऑल पेपर कंप्लीट है, और अंदर से ठीक ठाक है, बढ़िया, एक नंबर सब अंदर से बढ़िया से लगे हुए हैं, हर चीज ओके है। तो कितने पैसे मांग रहे हैं भैया इसके? इसका 4,50,000 टायर वायर बढ़िया है, सारा कुछ ठीक है, अच्छी बात है। उसके बगल में अपने पास एक बुलेरो लगी हुई है, 2011 मॉडल गाड़ी है, 2011 है, टायर वायर बढ़िया से है, अच्छे से चेंज वेंज कराने की जरूरत नहीं है, कोई लेता है तो पेल के चला सकता है। इंटीरियर भी इसका बहुत अच्छा है, ग्रे कलर भी मिल रही है, गंदी वंदी भी ज्यादा नहीं होगी। 80,000 चलिए, जेन्युइन चलिए, 80,000 ओरिजिनल, ठीक है। तो ओनरशिप फर्स्ट है? जी, ऑनर फर्स्ट है। कितने पैसे मांग रहे हैं भैया इसके? इसका 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये, जी, ठीक है। उसके बगल में अपने पास एक बुलेरो और खड़ी होगी, UP 91, ये कहाँ का नंबर है? 2016 मॉडल गाड़ी है, ठीक है, औरैया का नंबर है, औरैया का नंबर है, NOC ट्रांसफर सब कहीं कोई दिक्कत? सारा कुछ करवा के देंगे, ठीक है, औरैया का नंबर है। तो कितनी चली होगी भैया ये? 60,000 2016 मॉडल गाड़ी है, 2016 है जी। इंटीरियर तो ठीक है, सारा कुछ ओके है। ओनर से फर्स्ट है, सेकंड है? सेकंड ओनर है जी। तो कितने पैसे मांग रहे हैं भैया इसके? इसका 4,50,000 16 मॉडल है, असली वर्जन है, ठीक है, सारे पेपर ओके। उसके बगल में अपने पास एक UP 35 उन्नाव की भी बुलेरो खड़ी हुई है, फर्स्ट टाइम गाड़ी है, व्हाइट कलर है, सारे पेपर ओके, व्हाइट कलर, ऑल पेपर कंप्लीट, ठीक है, इंटीरियर ठीक है, बढ़िया है, सारा कुछ ओके है, फर्स्ट टाइम गाड़ी है। कितनी चली होगी भैया ये? 80,000 डीजल वर्जन है। क्या एवरेज देती है भैया डीजल पे? 18 देती है, ठीक है। और कितने पैसे मांग रहे हैं इसके? इसका 3,50,000 रुपये फाइनल, 3,50,000 रुपये फाइनल, ये कम नहीं हो पाएगा? जी नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब भैया से कुछ फाइनेंस की डिटेल ले लेते हैं। तो भैया बहुत सारे भाई लोगों के पास अपने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग कम पैसे दे के ही फाइनेंस करा के गाड़ी ले जाना चाहते हैं, तो उन भाइयों के लिए फाइनेंस हो जाएगा? फॉर्मेलिटी पूरी उपलब्ध कराएं, फाइनेंस करवा के दे देते हैं, मतलब फाइनेंस अपने यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो भैया जैसे कि फाइनेंस अगर कोई कराना चाहे और अगर वो थोड़ा सा कानपुर के इधर उधर से आ रहा है, तो कितने दूर के एरिया में आप फाइनेंस कर देते हैं? 100 किलोमीटर रेंज पे बनाए रहता है तो फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 100 किलोमीटर के रेंज में अगर आप रहते हैं, 100 इवन 100-120 भी अगर होगा, तो भाई आप फाइनेंस करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इवन 70-75% तक भैया फाइनेंस करा देते हैं, 75-80% फाइनेंस हो जाता है, 80% फाइनेंस हो जाता है। 2012 के बाद से ही जो भी गाड़ियां होती हैं उन पे फाइनेंस होता है, वो आपको रूल शायद पता होगा। जी जी जी। और अपने किसान भाइयों का भी खेतौनी वतौनी होगी, तो उसके लिए भी फाइनेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NOC वगैरह भैया अपने यहाँ निकल आएगी साथ, कोई अगर बाहर ले जाना चाहता है?
15 मॉडल से नीचे की एनओसी बाहर नहीं जाएगी। 10 साल की गाड़ी हो चुकी है तो एनओसी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, और सेम आरटीओ ही रहेगी, यही रहेगी। बाकी ये हमारा आज का वीडियो था, जितनी भी भैया के पास गाड़ियां थी सब आपको दिखा दी है, सारी डिटेल बता दी है। तो वीडियो अगर यहां तक देखी और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन हिट करिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा, उससे जब भी हम नई वीडियो डालेंगे उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगा। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।